दिस इज आर के शुक्ला एक्स फैकल्टी फॉर एलन कोटा एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी दहली एंड नव अडेज एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल बच्चों नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी ऑनलाइन सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और इसमें चार लेक्चर अभी हो चुके हैं और आज का पांचवा लेक्चर है पहले चार लेक्चर में हमने बात किया एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में हमने बात कर लिया है और अभी हमें बात करना है कि नेफ्रोन विच इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है कौन से तरीके से नेफ्रॉन में यूरिन बनता है इस बारे में अभी हमें बात करना है इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप पर जाएंगे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि अभी किन किन चीजों के बारे में हम बात कर लिए हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल ठीक है चलिए अब यहां हम बात कर रहे हैं तो देखो बेटा ये हम सबसे पहले बात बात किए थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसमें हमने बात किया था वन पेयर किडनी जिसमें जो राइट right किडनी है ये थोड़ा सा स्मॉलर है और थोड़ा सा लोअर है क्यों स्मॉलर है क्योंकि इसमें पॉइंट एट मिलियन मतलब आठ लाख नेफ्रोन पाए जाते हैं नेफ्रोन की संख्या कम है तो ये स्मॉलर है अगर हम लोग लेफ्ट किडनी का बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लार्जर है और थोड़ा सा अपर है लार्जर क्यों है क्योंकि इसमें 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख नेफ्रोन्स आर सारे

किडनी से किसका ओरिजिन होता है किडनी से ओरिजिन होता है यूरेटर का जो, जो यहाँ बना हुआ है स्काई ब्लू कलर में और यूरेटर कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरिन यूरिनरी ब्लैडर इज अ साइट फॉर स्टोरेज फॉर यूरिन और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होता हुआ यूरिन बाहर निकल जाता है यू हैव टू की सो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अब अगर मैं किडनी की बात करता हूं तो आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एस कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज कॉल्ड एस मैट्यूला एंड किडनी कंटेन नेफ्रोन नेफ्रोन इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी थोड़ा सा यहां नेफ्रोन के पार्ट की बात करेंगे सो नेफ्रोन इज कंसिस्ट ऑफ फाइव पार्ट फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्लोमैरूलस इट्स अ बंच ऑफ ट्वेंटी टू फिफ्टी ब्लड कैपिलरी अगर आप ग्लोमेरुलस की बात करते हो तो इसमें ट्वेंटी टू फिफ्टी ब्लड है ठीक है और इसमें ये जो अफरेंट आर्टेरियोल है यहां से ब्लड अंदर आता है और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल जाता है फिर ग्लोमेरुलस के साथ ही जो कप के जैसा स्ट्रक्चर है जो यहां ग्रीन कलर से बना हुआ है दिस इज कॉल्ड एज वोमस कैप्सूल एंड वो द ग्लोमेरुलस एज वेल एज बोमन कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेलपीगियन कॉरपसिल्स अगर दोनों को आप मिला दोगे किस किस को आप मिला दोगे ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है ये दोनों मिलकर कहलाता है मैलपीगियन कॉरपसिल्स इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है क्या कहलाता है

टिब्यूल एंड मेलपिगियन कार्पल्स इज कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस मैरोस एज वेल एज वोमन कैप्सूल एंड सिक्रेटरी टिब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ पीसीटी एल एंड डीसीटी अब एक डायग्राम मैं आपको यहाँ और दिखाऊंगा तो उससे बात समझ में आएगी देखो ये एनसीआरटी का डायग्राम है अगर मैं एनसीआरटी के डायग्राम में बात करूं तो ये ग्लोमेरुलस हो जाता है ये बोमन कैप्सूल हो जाता है और ये हो जाएगा पीसीटी दिस इज दिस प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले और ये एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले और उसके बाद ये हो जाएगा डीसीटी और डिस्टल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल अगर एनसीआरटी का डायग्राम हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा अब इसमें जिस बात पर आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि ये ग्लोमेरुलस और ये अफरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस के अंदर आता है और इफरेंट और आउट गोइंग आर्टीरियोल ग्लोमैरुलस से बाहर निकल जाता है जब ये बाहर निकल जाता है तो पूरा पीसीटीएलएच और डीसीटी के चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरी का, का नेटवर्क बनाता है इस बात को याद रखना कहां बनाता है ये पी ये डी ये एल एल एच और डीसी सबके चारों तरफ ये ब्लड कैपी ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो दिस इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड एस पैरिटिवर कैपिलरी नेटवर्क और बच्चों ये नेटवर्क आ, लूप ऑफ हैंडले के चारों तरफ बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है और जब ये लूप ऑफ हैंडले के चारों तरफ बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है then this is called as बासा रेक्टा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और समझने के लिए हमने अपने तरीके का कुछ अपने तरीके का हमने डायग्राम बनाया जिससे और बेहतर ढंग से हम इस, इसको समझ सके तो हमारे अपने तरीके का डायग्राम देखो ये पीसीटी ये लूप ऑफ फैंडले ये डी और सीटी और ये बोमन कैप्सूल और ये इंट ये आरटीरियोल ग्लोमेरुलस और ये इफरेंट आरटेरियोल अब देखो इफरेंट आरटीरियोल से बहुत सारी कैपिलरी का ओरिजिन होता है और ये पूरा पी सी और डीसीटी को चारों तरफ से कवर कर ये चारों तरफ से इसे घेर लेता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क क्या कहलाता है ये टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क कहलाता है और लूप ऑफ फैनले के चारों तरफ ये नेटवर्क बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है और लूप ऑफ फैनले के चारों तरफ जहां ये बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है यहां पर यह कहलाता है रेक्टा यू हैव टू बासा रेक्टा इज फाउंड अराउंड लूप ऑफ एनलेट लूप ऑफ एनले के चारों तरफ ये बहुत ज्यादा डेंस होगा और यहाँ पर ये यह क्या कहलाएगा यहाँ पर कहलाएगा बासा रेक्टा इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कॉट इट माई पॉइंट अब ये वही डायग्राम है दिस एंटायर एंटायर डायग्राम इज कॉल्ड एज पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क अब अगर इसका मैं आसान डायग्राम बनाना चाहूं मतलब अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो देखो ये मैंने बनाया ग्लोमेरुलस ये हो गया पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये पूरा पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क हो गया और ये सीक्रेटरी टिब्यूल हो गया जिसमें ये पीसीटी एलएच और डीसीटी अब बच्चों हमें बात करना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो देखो इसमें ये हमने बनाया ग्लोमेरुलस ये बोमन कैप्सूल फिर ये पीसीटी, एलएच एल एच और डीसीटी, और ये ग्लोमेरुलस से ये पार्ट क्या कहलाता है दिस इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टीरियोल और ये पिछले डायग्राम में जो हमने देखा था कि इफरेंट आर्टीरियोल पूरा पीसीटी, एलएच, डीसीटी एल एच डी सी टी और सी टी के चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क बनाता है ये कैपिलरी नेटवर्क ये क्यों बनाता है ये कैपिलरी नेटवर्क इसलिए बनाता है बच्चों कि जो भी एक्सचेंज होना है वो कहां इसमें जो ये येलो कलर से दिखाया हुआ है ये सीक्रेटरी टिब्यूल है ये नेफ्रोन है और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होना है इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होना है आदान प्रदान होना है तो थोड़ा हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं देखो अब अगर इसको मैं बनाता हूं, तो ये इंट आर्टीरियोल ये ये और ये हो जाता है पेरी टिब्यूलर नेटवर्क ये बोमन कैप्सूल हो जाता है ये पीसीटी हो जाता है ये लूपेन हो जाता है और ये ये जो है डिस्टल कॉन्बुलटे ट्रिब्यूल मतलब ये बोमन कैप्सूल और उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है मीनिंग ऑफ सिक्रेटरी ट्रिब्यूल पीसीटी एल एच एंड डीसी अब देखो अब अभी हम किसका बात कर रहे हैं मेकनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इसमें कुल मिलाकर तीन तरह का तीन तरह का इंसिडेंट होता है तीन तरह की घटनाएं होती हैं। सबसे पहले ग्लू के ब्लड का बहुत बड़ा फ्रैक्शन कहा पर आ जाता है बोमन कैप्सूल पर आ जाता है पहला इंसिडेंट याद रखना क्यों आ जाता है कैसे आ जाता है उसको अभी हम पढ़ेंगे पहले आपके केवल इतना समझ लो कि ग्लोमैरुलस के ब्लड का बहुत सारा फ्रैक्शन किसमें आ जाता है ये बोमन कैप्सूल में आ जाता है एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस का बहुत बड़ा ग्लोमेरुलस uh, बेसिकली क्या है ब्लड कैपिलरी है और इस ब्लड कैपिलरी का बहुत बड़ा फ्रैक्शन कहाँ आ जाता है ये बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये क्या कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है अब ये जो यहां अंदर आया वोमन कैप्सूल के फॉर्मेट में इसे फाइनली यूरिन में कन्वर्ट होना है तो यूरिन में कन्वर्ट ये कैसा होगा कि इसमें जो काम की चीजें हैं उनको हमें बचाना है बचाने के लिए वापस ब्लड में भेजना है तो क्या होगा ये सीक्रेटरी टिब्यूल मतलब पीसीटी एलएच और डीसीटी इन सभी जगह से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है लाइक like बॉटर है अमीनो एसिड है ग्लूकोज है फ्रक्टोज है गैलेक्टोज है एनए वो सब सीक्रेटरी टिब्यूल से निकल कर कहा पहुंच जाएंगे ये पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बच्चों याद रखना नेफ्रोन के चारों तरफ जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है दिस इज कॉल्ड एज पैरीटिव्यूलर कैपिलरी नेटवर्क तो यहां से सीक्रेटरी ट्रिब्यूल मतलब पीसीटीएलएच और डीसी से जो काम की चीजें हैं वो निकल कर कहां पहुंच जाएंगी वापस ब्लड में पहुंच जाएंगी एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली री एबजॉब सिलेक्टिवली क्यों है क्योंकि सिलेक्ट कर करके लिया जाता है केवल काम की चीजों को लिया जाता है बे की चीजों को छोड़ दिया जाता है और एबजॉपन का मतलब होता है एंट्री इन ब्लड याद रखना इस बात को अच्छी तरह से याद रखना अगर कोई भी कंटेंट ब्लड में एंटर करता है दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉपन और अगर ब्लड से बाहर निकलता है देन दिस इज कॉल्ड एज सीक्रेशन तो देखो यहां ये यह सीक्रेटरी टिब्यूल से निकल कर कहाँ जा रहा है ब्लड में जा रहा है ये रेड कलर से जो हमने बनाया ये ब्लड का पिलरी है और किन चीजों की एंट्री ब्लड में हो रही है मतलब एबज हो रहा है जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है बॉडी के लिए बेनिफिशियल कंटेंट है उनकी एंट्री ब्लड में हो रही सिलेक्ट करके हो रही है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली री और और शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं हम री शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां ग्लोमेरुलस में हमने इसको ब्लड से निकाल कर कहा भेजा इसको ब्लड से निकालकर हमने भेजा बोमन कैप्सूल ठीक है और फिर बोमन कैप्सूल से हम वापस ले रहे हैं कहां पर मतलब अभी अभी थोड़ा देर पहले इसको हमने ब्लड से बाहर निकाला और अब हम इसको ब्लड में वापस ले रहे हैं मतलब दोबारा हम ब्लड में ले रहे हैं दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज री तो याद रखना सिलेक्टिवली क्यों है क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे एनए हमें चाहिए ठीक है एनए हमें चाहिए लेकिन अमोनिया नहीं चाहिए यूरिया नहीं चाहिए तो यूरिया को हम आगे जाने देंगे लेकिन एनएससीएल को हम रोक लेंगे बॉटर को हम अंदर बॉटर को हम ब्लड में ले आएंगे अमिनो एसिड को हम ले आएंगे तो जो काम की चीजें हैं उनको सीक्रेटरी टिब्यूल से निकाल कर हम कहां पहुंचा रहे हैं ब्लड में तो पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं दैट्स बाय दिस इज सिलेक्टिवली Why this is re, क्योंकि अभी हमने ब्लड से बाहर निकाला है और फिर से हम ब्लड के अंदर ले रहे हैं और एबजॉपन का मतलब होता है एंट्री ऑफ एनी कंटेंट इन ब्लड तो ये सेकेंड एक्टिविटी हो जाती है अब तीसरी एक्टिविटी में क्या होगा <coughs> ये होगा सीक्रेशन अभी अभी मैंने आपको समझाया एग्जिट ऑफ एनी कंटेंट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एज सीक्रेशन बच्चों ये फंडामेंटल डेफिनेशन है एंट्री ऑफ एनी कंटेंट इन ब्लड इज कॉल्ड एज एब्जॉपन एंड एग्जिट ऑफ एनी कंटेंट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एज सीक्रेशन अगर कुछ भी ब्लड के अंदर आ जाए तो एब्जॉपन और अगर कुछ भी ब्लड से बाहर निकल जाए तो वो क्या कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एज सीक्रेशन एंट्री ऑफ एनी कंटेंट इन ब्लड इज कॉल्ड एज एबजॉपन एंड एग्जिट ऑफ एनी कंटेंट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एज सी क्रेशन गॉटेड बाई पॉइंट बात समझ में आ रही है तो ये एबजॉपन और ये सीक्रेशन गॉटेड बाई पॉइंट बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है <coughs> ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है तो अब देखो तो अब क्या हुआ कि ब्लड में कुछ फालतू चीजें हैं जो अभी बाकी रह गई जैसे क्रिएटिन है क्रिएटिन है के प्लस है एच सी ओ थ्री माइनस कई सारे कंटेंट हैं जो अभी वापिस जो अभी बाकी रह गए हैं तो उनको हमें क्या करना है ब्लड से अभी बाहर निकालना है तो उनको हमें ब्लड से बाहर निकालना है और ब्लड से बाहर निकालना क्या कहलाता है सीक्रेशन तो ये तीन इंसिडेंट कुल मिलाकर हैं जिनसे मिलकर यूरिन का फॉर्मेशन होता है पहला इंसिडेंट क्या कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली री एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज सीक्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से ग्लोमैरुलस का बहुत सारा कंटेंट वोमन कैप्सूल में जाता है और जो कंटेंट यहां पहुंचता है दिस इज कॉल्ड ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेट ठीक है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसका अधिकांश कंटेंट यहां सीक्रेटरी ट्रिब्यूल में वापिस ब्लड में आ जाता है दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली रिऑब्जॉर्ब और फिर क्या होता है कि जो जो कुछ बेकार की चीजें ब्लड में बच रही वो वापस जो है सीक्रेटरी टिब्यूल में जाते हैं दिस इज कॉल्ड एज सीक्रेशन तो इसमें से अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हमें डिटेल स्टडी करना है बाकी का स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हमें जरा ढंग से समझना है तो अब ये डायग्राम आप लोगों के सामने है देखो बेटा ये है इसमें ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज वोमन कैप्सूल क्या कहलाता है ये वोमन कैप्सूल कहलाता है ये ग्लोमेरुलस प्रॉपर ये अफ्रेंट आर्टेरियोल एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टेरियोल ये अफ्रेंट आर्टेरियोल अफ्रेंट मतलब इनकमिंग यहां से ब्लड अंदर आता है अच्छी तरह से इस बात को याद रखना कि ब्लड कहां से अंदर आता है एक डायग्राम मैं जरा मैं इस बात को यहां पर ऐड कर देता हूं तो ये आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी देखो यहां से ब्लड अंदर आता है ठीक है और यहां से ब्लड क्लोमेरुलस से बाहर निकल जाता है इस बात को अच्छी तरह से याद रखना यहां से ब्लड यहां से ब्लड अंदर आया और ये दूसरे साइड से ये बाहर निकल जाता है इस बात को अच्छी तरह से जरा दिमाग में इस बात को जरा अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है ठीक है तो अब देखो बेटा ये जो अफरेंट आईटीरियोल है इसका डायमीटर इफरेंट आर के डायामीटर से बहुत ज्यादा है अबाउट टू एंड हाफ टाइम ग्रेटर ये अपरेंट आर है याद रखना अच्छी अच्छी तरह से ये क्या है इनकमिंग और इनकमिंग रियोल और ये इन आ, आउट गोइंग आर तो अफरेंट आर का जो डायमीटर है ये इफरेंट आर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है कितना ज्यादा है अबाउट टू एंड हाफ टाइम ग्रेटर अबाउट टू एंड हाफ टाइम ग्रेटर लगभग ढाई गुना ये ज्यादा है ठीक है और ये तो अब क्या होगा बेटा जितना ब्लड अफ्रेंट आर रियोल से एक समय में अंदर आएगा उतना बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि अफ्रेंट आर रियोल का डायमीटर ज्यादा है इफ्रेंट आर रियोल का डायमीटर कम है तो बहुत सारा ब्लड यहां ग्लू के मेन पार्ट में फंस जाएगा और ये कहीं और से बाहर निकलने का प्रयास करेगा जो भी बीकर सेक्शन दिखाई देगा वहां से ये बाहर निकालने का बाहर निकलने का प्रयास करेगा और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा और ये प्रेशर जनरेट करेगा जिसका नाम है जी एच पी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जीएचपी और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसका वैल्यू है सिक्सटी सेवेंटी मिलीमीटर पर मरक्यूरी पर मरक्यूरी स्ट्रेंथ ठीक है तो जीएचपी का वैल्यू कितना है सिक्सटी टू सेवेंटी एम एम एच जी और इसका डायरेक्शन इस प्रेशर का डायरेक्शन क्या रहेगा ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल के साइड में ये ब्लड को लेकर जाना चाहेगा अच्छी तरह से याद रखना इसका कारण क्या है ये जीएचपी और ग्लोमैरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कारण क्या है इसका कारण यह है कि अफरे डायटीरियोल से ज्यादा ब्लड अंदर आता है और इन डायटीरियोल से उतना ब्लड बाहर नहीं निकल पाता कॉटेड बाई पॉइंट तो ये एक प्रेशर जनरेट होता है एंड दिस प्रेशर इज एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्सटी टू सेवेंटी एम एम एच जी अब देखो बेटा क्या होगा दो प्रेशर ये जीएचपी को अपोज करेंगे और ये चाहेंगे कि ग्लोमेरुलस का जो ब्लड है ये बोमन कैप्सूल में एंटर न कर पाए सबसे पहला प्रेशर जो इसको अपोज करेगा दिस इज बी सी ओ पी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका वैल्यू है थर्टी एम एम एच जी अब ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ब्लड में ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो कोलोइड हैं जस्ट लाइक प्रोटीन पॉलिसक्राइड एंड अनदर लार्जर मॉलिक्यूल सच काइंड ऑफ लार्जर कोलोइडल पार्टिकल बॉन्ड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम ग्लोमैरुलस ब्लड प्लाज्मा में जो बड़े आकार के कोलोइड हैं वो जो है ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं जाना चाहते वो ब्लड के अंदर रहना चाहते हैं और एक प्रेशर जनरेट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज बी सी ओ पी और ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसका वैल्यू कितना है थर्टी एम एम एच तो ये पहला प्रेशर जो जी एच पी ग्लोबेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को अपोज करता है ये कौन सा है बी सी ओ पी और ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर दूसरा प्रेशर कहां से जनरेट होता है ये बोमन कैप्सूल से जनरेट होता है बोमन कैप्सूल नहीं चाहता कि ग्लोमैरुलस से कुछ भी बोमन कैप्सूल में एंटर करे बोमन कैप्सूल यह नहीं चाहता कि ग्लोमैरुलस से कुछ भी बोमन कैप्सूल में एंटर करे और वो एक प्रेशर जनरेट करता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर जनरेट करता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये बोमन कैप्सूल का प्रेशर है जो अपोज करता है जीएचपी को और नहीं चाहता कि ग्लोमैरुलस से कोई भी कंटेंट बोमन कैप्सूल में एंटर करे तो ये सी एच पी मतलब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसका वैल्यू कितना है ट्वेंटी एम एम एच जी ये भी चाहता है कि किसी भी कंटेंट का बोमन कैप्सूल में एंट्री न हो या कोई भी कंटेंट ग्लोमेरुलस से बाहर न निकले तो अब जरा देखो तुम ये जो ghp है जिसका वैल्यू 60 70 mmhg है ये चाहता है कि ग्लोमेरुलस का कंटेंट ग्लोब्युलस से बाहर निकले और 30 bcop और 20 chp मतलब ये ओवरऑल 50 mmhg प्रेशर नहीं चाहता ये 50 mmhg प्रेशर नहीं चाहता कि कुछ भी कंटेंट यहां से बाहर निकले इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो है ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि यहां पर जो जी एच पी है बच्चों जरा इस बात को समझने का प्रयास करो जी एच पी वो प्रेशर है जो चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है फिल्ट्रेशन का मतलब ग्लू ग्लूमेरुलस से ब्लड के कंटेंट निकलकर वोमन कैप्सूल में एंटर करे और इसको अपोज कौन कौन कर रहा है इसको अपोज कर रहा है बी सी ओ पी प्लस सी एच पी ये इसको अपोज कर रहा है ये बात अच्छी तरह से याद रखना ये वो प्रेशर है जो कि इसको अपोज कर रहा है अब जीएचपी का वैल्यू कितना है हम थोड़ा देर के लिए सेवनटी मान लेते हैं 70 एम एम एच ठीक है यहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों प्रेशर साथ में काम कर रहे हैं तो अब 70 में से कितना माइनस करेंगे 70 में से बी कितना है 30 तो इसको माइनस कर देंगे और सी कितना है ये 20 है तो इसको भी यहां पर ऐड कर देंगे तो सीन क्या बन जाएगा सीन बन जाएगा सेवनटी माइनस फिफ्टी मतलब टेन टू ट्वेंटी एम एम प्रेसर यहां पर बाकी रह जाएगा टेन टू ट्वेंटी एम एम वो होगा जो ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो मतलब फिल्ट्रेशन तो होगा लेकिन जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो कम हो जाएगा इस बात को अच्छी तरह से याद रखना अब जरा इन चीजों को हम डिटेल देखते हैं जीएचपी का फुल फॉर्म क्या है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इसका डायरेक्शन क्या है ग्लोमेरुलस टू बोमन कैप्सूल डायरेक्शन है ग्लोमेरुलस टू बोमन कैप्सूल और इसका वैल्यू कितना है सेवनटी एम एम एच जी फिर दूसरा कौन सा है बी सी ओ पी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका डायरेक्शन क्या है ये बोमन कैप्सूल से ग्लो के साइड में लग रहा है मतलब ये जीएचपी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसका वैल्यू कितना है थर्टी एम एम जी तीसरा कौन सा है सी एच पी और कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ये भी जो है जी एच पी के अपोजिट लग रहा है मतलब ओमन कैप्सूल टू ग्लोमैरुलस मतलब ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है और इसका वैल्यू कितना है ट्वेंटी एम एम एच जी अब अगर हम जी एच पी माइनस बी सी ओ पी प्लस सी एच पी कर दें तो कितना बचेगा ट्वेंटी एम एम एच जी और इसे क्या कहते हैं इफेक्टिव और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ई एफ और एन एफ ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा इस बात को अच्छी तरह से याद रखना ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है इसी प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है इस बात को अच्छी तरह से यहां पर हम याद रखेंगे ठीक है अब सवाल इस बात का है कि अभी हमने जो समझा उसको हम यहां राइटिंग में देख रहे हैं अब जी एच पी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसका फैक्टर क्या है डिफरेंस इन डायामी ऑफ अफरेंट एंड ई फरेंट आरटीरियो ग्रेटर डायामीटर ऑफ अफरेंट आरटीरियोल इन कंपेरिजन टू ई फरेंट आरटीरियो ये जी एच पी क्यों जनरेट होता है क्योंकि तो ब्लड में जो अफ्रेंट और इनकमिंग है उसका डायमीटर ज्यादा है। फिर बीसीओपी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कारण क्या है अपोजिशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ऑफ ब्लड टू अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो कोलोइडल पार्टिकल है वो ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं जाना चाहते तीसरा क्या है सी एच पी कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपोजिशन ऑफ सेल ऑफ वोमन कैप्सूल टू एंट्री ऑफ एनी कंटेंट इन टू इट वोमन कैप्सूल की सेल नहीं चाहती कि कोई भी कंटेंट उसमें एंटर करे तो उसके चलते सी एच पी जनरेट होता है और ई एफ और एन एफ पी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू जी एच पी माइनस बी सी ओ पी प्लस सी एच पी ठीक है बच्चों तो ये कुल मिलाकर इतनी सी बातें थी जिनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमें पढ़ना था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का पहला टॉपिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन चीजों को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमें पढ़ना था हमने इनको पढ़ लिया है आज के लेक्चर में इतना ही कल हम बात करेंगे किसके बारे में के बारे में और उसे हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे हाँ बच्चों अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके सिलेक्शन में सपोर्टिंग है आपके सक्सेस में सपोर्ट करता है तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल नीट विनायक को सब्सक्राइब मेरे चैनल नीट विनायक को सब्सक्राइब करना चाहिए शेयर करना चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए ओके ऑल द बेस्ट दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल